जय श्री राम सबको, जय माता दी। कैसे हो गाइज आप सभी? और मैं आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे, अपनी परिवार के साथ सेव होंगे। तो भाई देखिए, टाइम अभी हो रहा है सुबह का 11:30। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से। तो आज तो मैं जल्दी उठ गई थी सुबह, लेकिन बच्चे बहुत ही लेट उठे। तो नक्श तो आज सोया रहा, क्योंकि आज इनका पेपर था ना। तो क्या हुआ कि बारिश हुई थी रात को, तो उसकी वजह से इनका पेपर जो था वो कैंसिल हो गया था। तो फिर इनके स्कूल से जो नोटिस निकला था, तो उन्होंने बोला कि आज इनका पेपर जो है वो कैंसिल। तो फिर मैंने इसको सोने दिया, देर तक मैंने बोला चलो सोने दो। तो रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि क्या बताऊँ आप लोगों को, तो पता ही है कि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और इतना तूफान हुआ ना, तो पता नहीं क्या था रात को। तो पूरी रात मैं सोई नहीं, जागती रही, उतना डर लग रहा था। मैं सोचा कि हमारी छत की जो ऊपर टीन है, ये तूफान के साथ आज चले जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बारिश तो हुई लेकिन तूफान भी बड़ा ज़्यादा हुआ और बादल भी बड़े ज़ोर ज़ोर से मतलब वो कर रहे थे। तो बिजली गिर रही थी, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। तो गाइस चलो अभी चलते हैं हम पार्क में, तो मैं आपको दिखाती हूँ पार्क का व्यू। तो चलो, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई रात को, देखते हैं क्या क्या हुआ है और फिर चलते हैं उसके बाद में बाड़ी में। और मैंने वहाँ पे लगाई है सब्जियाँ वगैरह, तो देखते हैं उधर बची भी है या नहीं रात की बारिश की वजह से, क्या पता वो उसकी चटनी बन गई है या है कुछ। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले मैं जा रही हूँ पार्क में। तो चलो, तो देखिए रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, तो देखिए मौसम एकदम से ठंडा ठंडा सा हो गया है। चलो आगे आगे, चलो आगे चलो। हम जा रहे हैं पार्क में, तो बहुत दिनों के बाद हम जा रहे थे पार्क में, बहुत ही दिन हो गए थे। तो मैंने बच्चों को बोला चलो आज हम जाते हैं, आज स्कूल भी नहीं गए थे, तो मैंने बोला चलो। तो देखिए यहाँ पार्क का व्यू बहुत ही सुंदर है, जहाँ सेब के पेड़ भी है, उनको काट दिया है, देखिएगा छोटे छोटे सरुओं के पेड़, बहुत ही सुंदर लग रहा है पार्क। तो अभी बड़े बड़े हो गए, पहले छोटे थे। ये सेब का पेड़ है यहाँ पे, खट्टे वाले सेब। तो देखिए लड़के नीचे चले गए थे, इसमें पानी नहीं है, तो पानी होता तो छलांग मार के नीचे चले जाते हैं। एक बार इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी था, तो पता नक्श गिर गया था, एक बार छोटा होता था बच गया था, मैंने उसको छोटा था तो हम हिलने के लिए लाए इधर, तो ऐसे गिर गया था नीचे। तो देखिए जहाँ पे लगा है नाशपाती का पेड़, तो नाशपाती इस बार ना बहुत कम लगे हैं, अभी कच्चे हैं, नहीं तो पिछले साल इतने ज़्यादा थे ना, पूरा मतलब पूरा पेड़ भरा हुआ था नाशपतियों के साथ, इतने थे ना नीचे, बहुत ज़्यादा गिरते थे, बहुत ज़्यादा थे, तोड़े के तोड़े, बोरियों के बोरी। तो मैं खा रही थी, मैं देख रही थी कैसा है, टेस्ट नहीं था, गंदा गंदा सा लग रहा था। तो जहाँ पे बच्चों ने क्या किया कि पूरे अखरोट तोड़ दिए थे, और मैंने बोला कहाँ से तोड़े, तो देखिए मेरे को लेके जा रहे हैं, छोटा सा पेड़ है ना नीचे, तो जहाँ से तोड़े हैं इन्होंने। तो कैमरा मैंने लड़की के पास दिया था, भारती के पास, अभी छोटी है तो उससे देखिए थोड़ा हिल रहा है कैमरा, उसी तरह से मैं पकड़ा था। तो जहाँ से तोड़े थे इन्होंने अखरोट, देखिए नीचे नीचे है ना, तो ही इन्होंने तोड़े, ऊपर होता तो नहीं तोड़ने थे। आजो आजो चलो। चलो उतरो, चलो नीचे, चल नक्श, बड़ा मजा आ रहा है अंश को। तो फिर हम चले गए बाड़ी में, तो देखिएगा जहाँ पे रात को जो बारिश हुई थी ना इतनी सारी, तो मेरे टमाटर के थोड़े पेड़ बड़े बड़े हो गए थे, तो वो भी गिर गए हैं देखिए। तो मैं सोचा मैं इनको ना थोड़ी सी बहुत लकड़ियाँ लगा देती ऊपर के लिए, ये बड़े बड़े हो गए हैं,
तो इतना तूफान था तो मैंने सोचा लगता है कि बाड़ी इधर से गिर जाएगी नीचे को, मतलब इतनी बारिश हुई ना रात को। जब फिर मैंने लकड़ियाँ लगा दी और साथ में घिया भी है, तो घिये की बेल भी है, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ऊपर चले जाएंगे टमाटर। इन्होंने ना कड़ में बीच बीच में लगा दिया टमाटरों के बीच, और यहाँ पे मैंने बीन्स लगाई थी, पता नहीं क्या किया, खिचड़ी बना दी। तो प्याज मैंने दूसरी तरफ लगाया था, जहाँ पे थोड़ा था, थोड़ी सी क्यारी जहाँ लगाई थी, लेकिन ये वाला बहुत ही अच्छा हुआ, वो तो कुछ नहीं। और वहाँ पे ना हेल वगैरह वगैरह ये सारे जहाँ पे अच्छे थे, वहाँ पे बात की मम्मा की मेरे से बातें, ये भी आया अपनी गाड़ी में सब्जी लेने के लिए। देखिए जहाँ पे मैंने वो लगाया कद्दू, मिर्ची भी लगाई है, बारिश हो गई है तो मिट्टी चले गई, ये बट्टे रह गए पीछे, तो ये है वो प्याज थोड़ा लगाया लेकिन ठीक है। एक कड़म मैंने बाद में लगाया था, ये वाला जो बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, वो पहले से लगाया। ये दूसरी तरफ लगाई है मैंने फ्लाश बीन, अभी इसको फूल बहुत ज़्यादा पड़ गया है। तो देखिएगा जहाँ धनिया लगाया था ये तो सूख ही गया, ये है प्याज वो वाला मेरा जो मैंने ज़्यादा लगाया था। देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, वो ठीक है जो मैंने उधर लगाया दूसरी पर है, थोड़ी सी क्यारी लेकिन बड़ी अच्छी लगी है। तो ये लगाया मैंने, ये तो ऐसे ही है बेकार का, छोटे छोटे हैं। और जहाँ पे मैंने भिंडी लगाई है तो ऊपर से देखिए कितना ज़्यादा पानी गिरा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ, तो गाइस चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।